अटल सेवा केंद्र में आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में सरकार के नए कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसमें न केवल चार विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया बल्कि उद्योगों से जुड़े व्यापारियों ने भी दोनों ही कार्यक्रमों को जाना। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया ने बताया कि कोरोना के बाद जो प्रवासी राजस्थान घर लौटे हैं उनके सामने रोजगार की दिक्कत है, तो वहीं यहाँ के लोगों के सामने श्रमिकों की दिक्कत है। तो दोनों ही समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने राजकौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनियम कार्यक्रम चलाया है, जिसमें व्यापारी या फिर उद्योगों के मालिक अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की मांग ऑनलाइन करेंगे, तो वहीं प्रवासी राजस्थानी अपनी योग्यता के अनुसार काम की अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। इनके बीच समन्वय करवाने का सरकार करेगी ताकि सभी आर्थिक गतिविधियां चालू हो और किसी को कोई परेशानी भी ना हो। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को जयपुर के सीनियर आईएएस नीरज के पवन सहित अन्य उच्च अधिकारियों ने संबोधित किया, जिसमें जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक नानूराम गहनोनिया, रिको से जेपी शर्मा, श्रम विभाग से अरुणा शर्मा, उद्योगपति डीएन तुलश्यान, कृष्ण कुमार रिंगसिया, रोहिताश्व बंसल एवं देवेंद्र खत्री सहित अन्य लोगों से आपस में संवाद किया। विधि है कि राजकौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनियम को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग आईटी और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा विकसित किया गया है। राजकौशल पोर्टल का उद्देश्य माइग्रेट किए गए श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करना है और इसलिए उद्योग और मजदूरों के बीच एक सेतु का काम करता है, जिसके बारे में सभी जिलों में आपस में संवाद किया गया है। जो अपने प्रवासी राजस्थानी लोग आए हैं यहाँ पे और यहाँ से जो अपनी स्किल लेवल बाहर चली गई है, तो वो तो अब जैसे आएगी वैसे ही आएगी, परंतु अपने को उद्योग धंधे व्यवसाय अपने शुरू करने बराबर उनको गति प्रदान करनी है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने राज्य कौशल एक ऐप बनाया, एक योजना बनाई है। इसमें जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा कि मेरे को इस तरह की लेबर चाहिए, इस तरह के मेरे को स्किल लेबर चाहिए, इस तरह का मेरे को अकाउंटिंग चाहिए, रजिस्ट्रेशन करेगा। दूसरी तरफ जो बेरोजगार लोग हैं, जो प्रवासी श्रमिक अपने आए हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे कि मेरी ये योग्यता है और मैं ये काम जानता हूँ, मेरे को काम चाहिए। उन दोनों का कम्बिनेशन करेंगे जिला प्रशासन के माध्यम से। हम लेबर ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद है, रिको आरम भी मौजूद हैं और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के ऑफिसर भी मौजूद हैं। हम चारों मिलकर के इसको एक कड़ी के रूप में काम करते हुए यहाँ के जो राज्य सरकार की जो मंशा उसके अनुरूप झुंझुनू जिले के जो प्रवासी श्रमिक आए हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का, यहीं पर रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। ये इसी ऐप के माध्यम से, इसी योजना के माध्यम से डाटा संकलित करके और इसको आगे गति प्रदान करेंगे।